देखिए अभी टोटल रिसीवेबल्स हैं, अब इसमें हो सकता है कुछ कस्टमर्स ऐसे हो जिन्हें हमने जनवरी में सेल की हो, सकता है कुछ कस्टमर ऐसे हो जिन्हें हमने जून में सेल की हो, और हो सकता है कुछ कस्टमर ऐसे हो जिसे हमने अभी दिसंबर में सेल किया, कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले। तो जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके डाउटफुल के चांसेस कम होंगे, और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके डाउटफुल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ना। तो क्या सबके लिए एक ही परसेंटेज रखना बेहतर है? नहीं, तो बेहतर क्या है कि आप अपने रिसीवेबल्स को पहले, हाँ, अलग अलग एज वाइज स्प्लिट करें, ब्रेक करें, और फिर एज वाइज उन पे परसेंटेजेस अप्लाई करें, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका है। ठीक है, अच्छा, तब इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ पे एज वाइज पहले एनालिसिस दिया हुआ ब्रेकअप उसका, कि 0 to 30 days, 31 to 60 days और over 60 days बैलेंस कितने, नीचे उसका टोटल बता दिया, ये टोटल रिसीवेबल्स है। और उसके बाद फिर इसमें यहाँ पे आपको एज वाइज परसेंटेजेस भी है, पॉलिसीज टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहले क्या है, 0 to 30 days के लिए 1%, 1%। अच्छा, तो अब इसमें कैलकुलेशन कैसा होगी? ओके, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 0 to 30 days इसमें से डाउटफुल कितने होंगे, ठीक है, 31 to 60 days में से 25 और फिर 70, तभी कैलकुलेट करते हैं। बाकी ये लास्ट में आपको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक, तो पहले टी अकाउंट्स बना लेते हैं भाई, तीन अकाउंट्स बनेंगे, रिसीवेबल का, बैड डेट्स का, और एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, डाउटफुल डेट्स या रिसीवेबल का। इसकी स्लाइड्स नहीं है यहाँ पे, मैं टी अकाउंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ इसके, यहां से फॉर्मेट कॉपी करते हैं। एक, दो, तीन, पहले बना लेते अकाउंट रिसीवेबल, कंट्रोल अकाउंट, सेकेंड बनेगा अलाउंस फॉर रिसीवेबल, थर्ड हम बना लेंगे रिकवरेबल डेट्स का। सब रिसीवेबल का बैलेंस कितना है, रिसीवेबल्स कितना है टोटल, 66,261। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लास्ट में दिया 8,200, इसका बीडी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। अच्छा, पहले यहाँ इसने एक लाइन ये दी है, दीज बैलेंसेज इंक्लूड अ बैलेंस 900 व्हिच हैज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर 8 months, द कस्टमर हैज रिसेंटली सीज ट्रेडिंग एंड डेट्स विल नॉट टू बी रिकवर्ड। ये तो हो गया आपके इरिकवरेबल डेट्स, राइट ऑफ कर देते हैं इनको। इसकी एंट्री क्या बनेगी, 900 की, हाँ, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 900 और 900 क्रेडिट हो जाए। ठीक है, अब वर्किंग कर लेते हैं, लेते हैं एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे डे एज वाइज ना, सब ये 0 to 30 days 42,700, इसमें से डाउटफुल कितने हैं, 1%, तो ये आ जाएगा 427। 31 to 60 days 18,725, और इसमें से डाउटफुल कितने हैं, 25% अमाउंट बताएं, 4681।
ओवर 60 डेज है 4,000। अच्छा एक चीज और बताएं, ये जो हमने, ये तो रिसीवेबल्स है ना हमारे, ये रिसीवेबल्स का ब्रेकअप है और ये टोटल रिसीवेबल्स हैं। अब इसमें से हमने 900 राइट ऑफ भी तो किए हैं, तो अभी आपको पहले माइनस करना पड़ेंगे ना, राइट ऑफ पहले माइनस होते हैं उसके बाद डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। पहले डाउटफुल डेट्स वो राइट ऑफ माइनस होते हैं, फिर जो रिसीवेबल्स बचते हैं उस पे लगता है ना। हाँ तो अब ये 6,900 किसमें से माइनस करें, हमें किसी एक कैटेगरी से माइनस करना पड़ेंगे ना। हाँ अब ये लास्ट है, क्योंकि इसको देखो टाइम कितना हुआ है, ओवर 8 मंथ्स, तो ये 0 to 60 डेज में से माइनस हो जाएंगे, तो 4,836, तो यहाँ लिखते हैं हम 4,836 माइनस 900, और उसके बाद इसका 75% कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, 2,952, 2,952, ठीक है। चलें पहले अटेंडेंस देते हैं फिर इसे कंप्लीट करते हैं। अच्छा ये हमने डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट कर लिया, तीनों का सम कर लेते हैं, 8,060, 8,060, ठीक है। ये आ गया हमारे एस्टिमेटेड, ये आ गया एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, 8,060। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या माइनस करें, 900 माइनस क्या करें, 900, क्यों क्यों प्लस करेंगे, हाँ तो क्या करें उसके लिए, हाँ क्या करें, क्यों करेंगे उसके, जान छोड़ दें 900 की, 900 की जान छोड़ दें, क्या लेस करें, क्यों करें जी, घर जाके कोई भी नहीं पढ़ रहा, घर जाके कोई नहीं पढ़ रहा, पता चल गया। इसमें से हम अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं, ओपनिंग बैलेंस तो इंक्रीज डिक्रीज आता है ना, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 140 माइनस में आ रहे, और माइनस का मतलब डिक्रीज इन अलाउंस, घर जाके कोई नहीं पढ़ रहा हमेशा की तरह। ओके दी, 900 के पीछे पड़े हैं, 900 900। अच्छा अब क्या करेंगे, इसकी एंट्री बनाएंगे, एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट और इरिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाते हैं, जिसकी एंट्री हो जाएगी डिक्रीज इन अलाउंस की। अब अकाउंट क्लोज करते हैं सारे, 261,66,261, रिसीवेबल कितने रह गए माइनस करके बताएं, 6,53,6,53,61, ठीक है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे कितना आ रहा है, 8,060। अच्छा ये मैंने बताया था कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स के इक्वल आता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको अलाउंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो एस्टिमेटेड होगा वही इसका क्लोजिंग होता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं प्रॉपर अकाउंट बना रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आपको अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कैरी डाउन हमेशा एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स के इक्वल आएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा रिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करते हैं, 900, ठीक है, जो माइनस करेंगे 140,760, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के बैड डेट्स एक्सपेंस, ठीक है। तो अब इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 760। बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे, 65,661, और इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल, ठीक है, ये भी लिख देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे आप रिकवरेबल डेट्स कितने, 760, और बैलेंस शीट बनेगी इसमें लिखेंगे आप अकाउंट रिसीवेबल कितने, हाँ 6,531,
माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 8060, तो नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे आपके पास कितने आ रहे, माइनस करते हैं 5730, क्या बता रहे, हाँ 3573 01, ये आ जाएंगे आपके नेट रिसीवेबल। क्लियर? ओके, तब ये कॉपी कर लें।